हम यहाँ उत्तराखंड में आए हुए हैं। यहाँ का जीवन बहुत संघर्षमय है, बहुत मेहनत से ये लोग रहते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर 2 एकड़ को बहुत कम मानते हैं, 4 एकड़ को बहुत कम मानते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे खेत हैं। बिल्कुल हाथ से लग रहा होगा, लेकिन आप आओ कभी उत्तराखंड में, यहाँ छोटे छोटे खेत हैं। इनका बहुत संघर्षमय जीवन रहता है, बहुत परेशान रहते हैं, और इनके आमदनी के भी ज़्यादा से साधन नहीं है, और वर्ष में 10-20 हज़ार बस। और ज़्यादा से अगर कोई नौकरी नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो इनकी आमदनी कितनी होती है? इनकी आमदनी होती है 20 से 50 हज़ार तक की। तो इनका जीवन कैसा होगा आप देखिए, कितनी परेशान ये लोग। अपने बच्चों की शादी भी करनी है इनको, बिजली का बिल भी देना है, और बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, घर भी बनाना है, उनकी शादी भी करनी है, अपना जीवन यापन भी करना है, कितने काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे बकरी के बच्चे, गाय के बच्चे, उनको भी, गाय तक भी आते हैं, चित्ते वगैरह 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 उठाया और ले गए, पता भी नहीं चलता। ये दिन में ही संघर्ष नहीं करते ये लोग रात में भी संघर्ष करते रहते हैं। मेहनत हर टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं। और यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकार जो है वो पुलिस के पास कम है, पटवारी के पास ज़्यादा है। जितने मुकदमे होते हैं यहाँ, पहले जाते हैं प्रधान के पास, फिर जाते हैं पटवारी के पास, और फिर फॉरेस्ट विभाग के पास जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर कंट्रोल उत्तराखंड में फॉरेस्ट विभाग का बहुत ज़्यादा है, और उसका प्रभाव लोगों में यहाँ थोड़ी दहशत डरे हुए भी हैं कि नहीं, किसी भी वस्तु को हाथ लगाया तो फॉरेस्ट वाले केस लगा देंगे, परेशान कर देंगे। यहाँ बहुत ही कम राजनेता और बहुत कम लोग आते हैं, कभी कभार 10-20 वर्ष में, लेकिन इनका जो जीवन शैली है वो बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। आज ही इन्होंने, ये आप देख रहे होंगे, ये चूल्हा बना हुआ है, चूड़ा कर्म संस्कार किया है, एक बच्चे का बाल उतारना। आप तो भूल गए होंगे चूड़ा कर्म संस्कार को, लेकिन यहाँ गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं घी के, तेल के, और उनको परोसा जाता है। परिवार वाले, जिसका जितना सामर्थ्य होता है, जिसके पास जितने पैसे होते हैं, उसी हिसाब से ये काम किया जाता है। और यहाँ कुछ, ये केवल इन चीज़ों से परेशान नहीं है, ये एक चीज़ से और परेशान है। जिसके सड़क रोड के किनारे घर हैं, आते जाते यात्री शराब पी करके चिल्लियाँ मारते रहते हैं, और इधर से बोतलें फेंक देते हैं, और कुछ करते रहते हैं, गलत तरीके से देखते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं, और इनको सम्मानपूर्ण जो जीवन होता है ना, वो कम ही मिल पाता है। इनके अंदर झिझक, जो ना बोलते, डरते घबराते हुए ये लोग, लेकिन इनका जो एक बहुत बड़ी, ये लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, और प्रकृति के साथ बहुत अटैच हैं ये लोग, और प्रकृति में इनकी, जैसे ये लगाए हुए हैं, यहाँ कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, ये करते ही नहीं। जो पेड़ पौधे हैं वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो धान वगैरह की खेती वो भी नेचुरल होती है, जो सब्जियों की खेती है वो भी नेचुरल होती है। दो दो तीन तीन महीने के लिए यहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं। मैं जहाँ आज पहुँचा हूँ वहाँ दो दो तीन तीन महीने के लिए रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, राशन भी नहीं मिलता, इधर उधर आ जा भी नहीं सकते, बच्चों को भी पढ़ाने में दिक्कत आती है, संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत ज़्यादा। तो छोटे छोटे बच्चों को साथ रखना ना, दूर एजुकेशन की, आज का ज़माना जिस स्पीड से चल रहा है, अंग्रेजी को जितना भाव दिया जा रहा है,
यहाँ हिंदी पढ़ने वाले ही बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जो प्रकृति के साथ इनका जुड़ाव है, प्रकृति के साथ जो इनका लगाव है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, प्रकृति के साथ जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। ये लोग प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ करके रहते हैं और प्रकृति में इतनी मेहनत के साथ जुड़ करके रहते हैं, इनका जीवन काफ़ी लंबा होता है। बहुत कम लोग बीमार होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारियाँ नहीं होती, हल्की फुल्की मौसम की बीमारी हुई, कभी कभी किसी किसी आदमी को एक आधी पथरी का दर्द हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये लोग नेचुरल प्रकृति से ज़्यादा जुड़े होते हैं और यहाँ पाँच पाँच दस दस दिन तक, जिसको आप 5 मिनट अगर लाइट चली जाए तो हाहाकार मच जाती है, 5-5, 10-10 दिन तक लाइट यहाँ नहीं आती। तो संघर्ष तो बहुत है इनके जीवन में, लेकिन जो प्रकृति के साथ जो इनका जुड़ाव है, अपने देवताओं के साथ जो इनका जुड़ाव है, परमात्मा के साथ जो इनका जुड़ाव है, इनकी परमात्मा के साथ जो श्रद्धा है, जो इनकी भावनाएं हैं, वो काफ़ी मजबूत हैं। ये अपने देवता की पूजा बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मेडिटेशन वगैरह ये ज़्यादा वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए, उसके नाम के लिए, अपने परिवार को सेट करने के लिए। इसी प्रकार से इनका जीवन चल रहा है, ये बिल्कुल नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। कभी आप जब यहाँ आसपास आओ तो बिल्कुल नेचर में उतर करके देखना। शहर में कुछ अलग ढंग से लोग रहते हैं, टीवी में कुछ अलग ढंग से दिखाया जाता है, और यहाँ रहने वाले लोगों का जो जीवन है, आप देखना, रसोई के अंदर कुछ ही बर्तन हैं, सोने के लिए कितने हैं, कुछ ही सामान है, सीमित सा सामान है बिल्कुल, लेकिन सीमित सामान में भी ये लोग बहुत खुश रहते हैं और इनके चेहरे पर मुस्कान ही रहती है। ये संतुष्ट हैं अपने जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। ये नहीं कि ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे भाग, नहीं, ये संतुष्ट है नेचर के साथ जुड़ करके। और कभी आप उत्तराखंड में आओ तो बिल्कुल घुस करके देखना, यहाँ बारहसिंगे भी बहुत, आज हमने देखे, हम जंगल के अंदर घूम रहे हैं, बारहसिंगे भी हैं, बाघ भी हैं, और भी जानवर हैं, जंगली जानवर हैं। तो ये बहुत प्रकार के, आप प्रकृति के साथ जुड़ करके रहो, इन लोगों की जितनी भी आप मदद कर सकते हो किसी भी प्रकार से, चाहे इनके एक बच्चे को शिक्षा देनी हो, किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से भी, कैसे भी, किसी की शादी करानी हो, आप इनकी किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं। हम भी कोशिश में लगे हुए हैं जितना हमारे से हो रहा है, जितना हमारे से हो सकता है। और इसी के बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी खोज करके जीवन को, और ये लोग अभी ध्यान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब इतनी गहराई में लोग भी परमात्मा को भी खोज रहे हैं तो आपको कौन रोक रहा है। आप भी हिमालय के अंदर आइए, हिमालय के अंदर नहीं आ सकते, अपने घरों के अंदर जहाँ भी हो सके आप परमात्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश करें और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आप बढ़ाइए।